सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की स्केल नंबर 23। ये आपकी एंगुलर स्केल है, इसको हम पढ़ेंगे। हमने इसकी कागज बांट कर दी है और इसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 36 और हाइट है 84 सेंटीमीटर। इसमें जो हम फुट्टा यूज करेंगे वो है 1.10 सेंटीमीटर। ये फुट्टा हम इसमें यूज करेंगे। इसमें वैसे तो हम चाहें तो एलिवेशन भी बना सकते हैं, पर थोड़ी सी इसमें समस्या रहती है क्योंकि जो इसकी इसमें एक तिरछी फट्टी है, ये डेक्स का है, ड्राइंग डेक्स है ये, तो तिरछी जो फट्टी होती है इसमें लगी हुई, उसके प्रोजेक्शन लेने हमें एलिवेशन में मुश्किल होता है। इसलिए उसके प्रोजेक्शन आते ही साइड से, इसलिए हम सबसे पहले इसमें साइड बनाएंगे। तो देखो हम साइड इसमें कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसमें जो ऊपर फट्टी लगी हुई है वो बाहर को है और पाई इसके अंदर को है, तो हमने यहाँ से 3 सेंटीमीटर के बाद 4 सेंटीमीटर काटना है। 3 के बाद 4 सेंटीमीटर, यहां से भी पहले हम 3 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, फिर हम 4 सेंटीमीटर काट देंगे, निशान हम लगाएंगे। और यहां पे भी पेपर में पूछी जाती है स्केल, और थोड़ा सा सिर्फ इस पर डिफरेंस इतना ही है कि बाकी सारी आपने अभी तक जो स्केल लिखी थी वो पैरेलल थी और ये आपकी एंगुलर स्केल है। यहां से 3, 3 के बाद 4, इस तरह से। और आपने क्या करना है, यहां से काटना है। तो यहां से हम 50, 60, 70 हम यहां से काट देंगे इस तरह से। और अब इसके बाद जो है हमारा ऊपर जो है वो इसमें 2 सेंटीमीटर है, इसके बाद हमारा 2 सेंटीमीटर यहां से। जैसा कि आप बुक में देख रहे हैं, जो आपके लिए HB बोर्ड की जो बुक लगी हुई है उसके हिसाब से ही आपको करवा रहा हूं यहां से। तो यहां से भी हमने 2 सेंटीमीटर लेना है इस तरह से। आप सोच रहे होंगे कि पहले सर ने ये निशान लिया, अब ये ले रहे हैं। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहां पे इसमें तिरछी लाइन आनी है ये, इस तरह से, क्योंकि डेक्स है ये, तो डेक्स यहां से ऊपर से तिरछा होता है। तो ये जो आपके पाए बनने हैं ये इस डेक्स में नहीं है, ऊपर इस पट्टी में इस तरह से तिरछे में नहीं है। यहां से हमने इस तरह से, और ये लाइन आपकी आएगी यहां से इस तरह से इसमें लाइन आनी है। अब जो हमने पाए लगाने हैं वो पाए हमारे हैं यहां से 3 के बाद 4 है, 3 के बाद 4 सेंटीमीटर है। मुश्किल ये नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आपके पास पेंसिल अच्छी शार्प हो, पतली पेंसिल हो, सफाई से कार्य करे, तो मुश्किल कोई भी कार्य नहीं होता। इस तरह से मैंने तिरछी लाइन लगाई क्योंकि इससे ऊपर ये लाइनें नहीं जानी थी, फिर हमें मिटानी पड़ती, फिर उससे शीट हमारी काली हो जाती है इस तरह से। यहाँ से अब ये जो है हमारा सिर्फ यहीं तक है, आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने ये जो लाइन है वो हमने यहाँ से मिटा देनी है इस तरह से, ये लाइन भी हमने यहाँ से मिटा देनी है, और ये जो ऊपर आपकी लाइन है ये भी हमने यहाँ से मिटा देनी है। सब लाइनें हमारी मिट जाएगी और ये लाइन हमारी जो है वो फिर रहेगी यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे ड्राइंग बनाएंगे या कुछ भी कागज रखेंगे, यहाँ पे इसके सपोर्ट के लिए फट्टी लगी हुई है, और वो फट्टी जो होती है वो हमेशा 90 डिग्री में होती है और 2 सेंटीमीटर पे है वो। तो मैं यहाँ से 90 डिग्री ले लेता हूँ, आपको पता ही है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है हमारा। यहाँ से मैं इस तरह से लाइन लेता हूँ। इसके बाद हमने यहाँ से काटना है 4 सेंटीमीटर, ये हम यहां से 4 सेंटीमीटर काट देंगे। आप देख सकते हैं ये यहां से
चार सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ऊपर जो दूसरी लाइन होगी वो 2 सेंटीमीटर पे आएगी, क्योंकि 2 सेंटीमीटर मोटी हमारी ऊपर पहले ही फट्टी लगी हुई है। ये आपका 2 सेंटीमीटर है यहाँ पे, और ये भी आपका 90 डिग्री पे आना। इसी के समानांतर हमने यहाँ पे रेखा लेनी है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये जो लाइन हमारी है इसको हम अरेज कर देंगे, हटा देंगे इसको यहाँ से, और इसी के समानांतर जो ये रेखाएं, इसी के समानांतर हम यहाँ से भी इसमें तिरछी लाइन इस तरह से लगा देंगे। तो इस तरह से ये आपका डेस्क ऊपर से जो ऐसे बनेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसमें फट्टी लगी हुई है, इसके स्पॉट के लिए यहाँ फट्टी लगी हुई है, और वो फट्टी है 15 सेंटीमीटर की, 2 के बाद 15 सेंटीमीटर है। ये हमने यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ये आपका कॉर्नर है इसका, यहाँ से हम ये 15 के बजाय 17 लेंगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ये है और 15 ये, तो हमने यहाँ से लेना है 17, तो ये 15, 16, 17, इस तरह से हम इसको 17 सेंटीमीटर लेंगे। ये जो हमने 17 सेंटीमीटर लिया है इसको हम मिला देंगे, इसको अंदर जो है यहाँ इसके अंदर हम इसको डार्क मिलाएंगे, और यहाँ पे हम इसको डॉटेड लगा देंगे 2 सेंटीमीटर इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ऊपर का हमारा जो कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है, नीचे से इसमें यहाँ इसको जोड़ने के लिए फट्टी लगी हुई है, 12 सेंटीमीटर के बाद है 5 सेंटीमीटर, तो हमने सबसे पहले यहाँ लेना है 12 सेंटीमीटर के बाद 5, है। ये यहाँ हमारा जो है ये अंदर डार्क आएगा, और बाहर को जो है ये 2 सेंटीमीटर हमारा डॉटेड रहेगा। इस तरह से, और अब हमने यहाँ पे हम इसको 2 सेंटीमीटर भी ले लेते हैं यहाँ से, ये 4 सेंटीमीटर, तो इसका आधा भी आधा करो चाहे जैसे भी यहाँ से, और यहाँ पे हम यहीं पे निशान लगा लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, तो हम इसको मिला देंगे। इस तरह से ये फट्टी यहीं तक है, तो ये अंदर हमने इसकी प्रोजेक्शन ले लिए, ये बाहर को है, इससे पिछले साइड भी है, इधर को भी है, इसके जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ से बाहर को आएंगे इस तरह से। यहाँ पे एक फट्टी और जुड़ी हुई है इसके साथ, और वो है 6 सेंटीमीटर मोटी है, इसका जो अंदर मान है वो आपका है, देख सकते हैं आप, 22 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये टोटल जो हमारा था ये हमारा था 36, इसमें से 3-3 हमने छोड़ दिया था, तो बच गया था हमारा 30 में से भी हमने 4-4 ये ले लिए है, तो ये जो है ना 8 सेंटीमीटर घट गया, तब हमारा 22 अंदर है, तो इसमें से हमने यहाँ से लेना है 8 के बाद 6 सेंटीमीटर हमारा बचेगा, तो ये हम यहाँ से ले लेते हैं 8 के बाद हम यहाँ काटेंगे 6, ये 5, 6, और आपका जो है वो इस तरह से, ये देखिए आपका 8 जो है बच जाएगा। नीचे भी हम इसी तरह से निशान लगा देंगे नीचे, इसमें ये हमारा यहाँ से है 8, और 8 के बाद हमारा है 6 इस तरह से, और ये जो है वो नीचे को आएगी हमारी 2 सेंटीमीटर पे, तो मैं इसको यहाँ से 2 सेंटीमीटर भी निशान लगा देता हूँ, यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये हमारा यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर डार्क आना है,
इस तरह से इसमें यहाँ पर फट्टी लगेगी 2 सेंटीमीटर की, और इस तरह से ये आपकी जो साइड है वो बनके तैयार हो गई है। इस तरह से आपने इसकी साइड बनानी है। अब हम बनाएंगे इसकी एलिवेशन, तो अब हम इसकी एलिवेशन बनाएंगे। तो एलिवेशन में भी हमने उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे 3-3 सेंटीमीटर छोड़ा था, तो यहाँ से हम 3-3 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, पहले 3, 3 के बाद 4। इसके हमने निशान लगाने हैं अभी, क्योंकि पीछे तक ये पाए हमारे नहीं जाएंगे। इस तरह से यहाँ से का है 3, 3 के बाद हमारा है 4 सेंटीमीटर। यहां भी हम इसमें 3-3 सेंटीमीटर छोड़ेंगे पहले, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहां से हम नीचे से हम काटेंगे 70 सेंटीमीटर, 50, 60, 70 सेंटीमीटर है इस तरह से, 50, 60, 70 सेंटीमीटर काटेंगे, और इसको हम जो है वो मिला देंगे डार्क। इस तरह से हम ये 70 सेंटीमीटर काट के मिला देंगे। और अब हमने क्या करना है, जो ये हमने 3 सेंटीमीटर छोड़ रखा है यहाँ पे, ये इसको हम यहाँ पे इतना हम इसको डार्क मिला देंगे। इससे पीछे हमने डॉटेड मिलाना है, पर पीछे से ये यहाँ पे भी ये हमने 3 सेंटीमीटर पीछे छोड़ना है। तो इसका मैं प्रोजेक्शन ले लूँगा यहाँ से, और ये आपका है यहाँ तक, ये बिल्कुल आपका डार्क आएगा। इससे पीछे हमारा ये थोड़ा आईडी से मैं छोड़ देता हूँ, डॉटेड रहेगा। यहाँ पे भी इसी तरह से बनेगा ये, इस तरह से। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो आपका पाया यहाँ से इतना दूर है ना, ये यहाँ तो ये भाई तिरछा है, इसलिए 3 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, इसका प्रोजेक्शन ही पीछे आएगा इस तरह से ये आएगा। यहाँ से हम जो है वो डॉटेड लाइन लगा देंगे पीछे से, इस तरह से। और ये जो लाइनें है हमारी वो पीछे मिट जाएगी। अब हमने क्या करना है, तो इसके प्रोजेक्शन ही हम सीधे ले लेते हैं सभी के पहले। तो अब यहां से हमने, आप चाहो तो छोटे से स्केच से कर सकते हैं, यहां से पहले इस पे निशान लगा दो, और अगर पूरा भी आ जाता है, हाँ थोड़ा आ जाएगा इसी से हो जाएगा। चलो मैं इसी से कर लेता हूँ, ये थोड़ा ये देखिए यहाँ पे, ये आप देख सकते, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है पूरा, यहाँ पे इस लाइन के साथ हमने ये जो है सेट किया, हमने इस लाइन के साथ लगाना है, इससे हमारे प्रोजेक्शन बिल्कुल सही आएंगे इस तरह से। अब हमने प्रोजेक्शन लेना है ये वाला, ये मींस ये जो आपका पाया है यहाँ पे, ये हमने ले लिया, इसका इधर आ गया, हमने इसका प्रोजेक्शन लेना है। यहाँ से हम ये प्रोजेक्शन पहले ले लेते हैं, और ये सिर्फ आपका यहाँ पे ये आपका पाए तक ही आना है इस तरह से। और जो हमने 2 सेंटीमीटर ले रखा है, इसका भी हमने पीछे प्रोजेक्शन लेना 2 सेंटीमीटर का, ये आपका पाए के बीच में आएगी लाइन। अब यहाँ हम 2 सेंटीमीटर नहीं नाप सकते, क्योंकि तिरछा है, यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर नाप रखा है, और इसका हमने प्रोजेक्शन इस तरह से ले लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे ये हमने नीचे से
70 सेंटीमीटर काट रखा था, ये आप देख सकते हैं, ये आपका आ गया है। अब हमने प्रोजेक्शन लेना है ये इसका, ये जो आपकी लाइन आ रही है इसका हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन लेना है, जो 90 यहाँ से बाहर को 90 डिग्री पे है और यहाँ से बाहर को ये 4 सेंटीमीटर लंबाई से 4 सेंटीमीटर है और एंगल जो है ये 90 डिग्री पे। तो जब हम ऊपर से इसको देखेंगे तो ये ऊपर से हमें कैसे दिखेगा, ऊपर से हमें इस तरह से दिखेगा और सामने से हमें कैसे दिखेगा, ये यहां से हमने यहां से इसको इस तरह से, ये जो आपकी लाइन आएगी ये हमारी डार्क आएगी बाहर तक। और अब हमारी है ये लाइन है, ये लाइन प्रोजेक्शन आपके बहुत सही होने चाहिए इस तरह से, ये आपकी डार्क लाइन आ जाएगी। ये दो आपकी आ रही, एक ये और एक ये आपकी जो है वो डार्क लाइन इस तरह से ये बाहर को आपकी आ जाएगी। इस तरह से आपने ये शो करनी इस तरह से, और ये जो आपकी आ गई। अब आपने क्या करना है, इसमें जो आपका ये पाया है, ये आपका पाया आ रहा है ये वाला, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से एक ये पाया आपका है निचला, ये हमने कॉर्नर मिला दिया ये वाला, ये कॉर्नर हमारा ये 70 सेंटीमीटर वाला है जो मैं ले रखा है। इसके अंदर हमारे पास एक कॉर्नर है यहाँ पे, ये जो आपका आ रहा है इसके साथ आ रहा है, यहाँ से अंदर 2 सेंटीमीटर की फट्टी लगी हुई है, जो सामने से ये जो फट्टी है ना इसके सामने फट्टी लगी हुई है 2 सेंटीमीटर की, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, जो ये तिरछी फट्टी है आपकी 90 सेंटीमीटर पे, जो 90 डिग्री पे जो ऊपर को फट्टी है उससे नीचे फट्टी है 6.2 सेंटीमीटर की। तो जो ये 2 सेंटीमीटर की फट्टी है जब आप ऊपर से इसको देखेंगे तो ये आपको वहाँ पे डॉटेड शो करनी पड़ेगी। तो ये हमारी फट्टी आएगी यहाँ से इस तरह से आएगी, और ये जो आपकी फट्टी है ये पाए के बीच में है, तो ये यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको डॉटेड शो करना है इस तरह से अंदर को यहाँ तक, इस तरह से हमने इसको यहाँ से डॉटेड शो करना है, क्योंकि ये जो आपकी ये फट्टी है बाहर वाला तो आपका आ गया है, अंदर जो 2 सेंटीमीटर है वो आपने इस तरह से इसको शो करना है डॉटेड, हम इसको यहाँ से ऐसे शो करते हैं इस तरह से, ये हमारा डॉटेड शो हो जाएगा। और अब आपका जो इसमें बचता जो कार्य बच रहा है आपका वो है निचला, वो हमने यहाँ से ये जो लाइन है इसको हम हटा देंगे, यहाँ से इस लाइन को भी हम यहाँ से हटा देंगे इस तरह से। ये हमने बाहर की जो फालतू हमारी लाइनें थी ये हमने दोनों लाइनें यहाँ से हटा दिए। अब नीचे से ऊपर जो हमने ये लिया था यहाँ पे, ये आपका है 12 के बाद हमने लिया था, इसी के मैं एलिवेशन के लिए भी इसी से प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। तो जो 12 के बाद हमने लिया था ये हमारे यहाँ पे से 2 सेंटीमीटर डॉटेड आना है यहाँ पे और यहाँ पे भी। उसके बाद आपका ये मैं पहले पूरा ले लेता हूँ, इसको 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो ये 5 सेंटीमीटर है ये हमारा यहाँ पे डॉटेड आना है यहाँ पे, अंतर जो हमारी लाइन है ये पूरी इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद नीचे को अगर आप आते हैं तो ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर की लाइन है, यहाँ पे आपकी ये सिर्फ इतनी सी आ रही थी और यहाँ पे ये आपकी पूरी इस तरह से आ जाएगी, पूरी आ जाएगी यहाँ पे इस तरह से। अंदर हम इसका डॉटेड ले लेंगे क्योंकि ये पीछे तक है, ये यहाँ तक है, इसलिए इसका डॉटेड भी जो है वो लास्ट तक जाएगा। और हमने इसमें लेना है 2 सेंटीमीटर, ये हम फुट्टे से ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ लास्ट पीछे भी हम इसमें 2 सेंटीमीटर ले लेंगे से। 2 सेंटीमीटर की लाइन है वो यहां भी आपकी आनी है फट्टे में, और यहां भी आपकी आएगी 2 सेंटीमीटर की लाइन, यहां भी साइड में इसमें 2 सेंटीमीटर की फट्टियां लगी हुई है और इस तरह से यहां भी ये 2 सेंटीमीटर की लाइन आएगी। ये जो आपकी लाइन है यहां पे
ये आपकी बाहर तक जाएगी, ऊपर वाली भी। ये आपके डॉटेड है, वो बाहर तक ही जाने हैं, पूरे जाने हैं इस तरह से, दोनों लाइन के 2 सेंटीमीटर की जो लाइन आपकी आ रही है इसके, यहाँ तो मैंने ले रखा है इस तरह से, क्योंकि ये पूरी बाहर तक है तो इस तरह से ये आपकी आनी है। और इस तरह से आपकी जो एलिवेशन है वो अब बन के तैयार हो गई है। थोड़ी सी इसमें कसर बचती है और वो है ये वाली, जो यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर नीचे को हमने ले रखा है, ये बचता है आपका। तो इसका हमने यहीं से प्रोजेक्शन लेना है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये अपने यहाँ से इसके अच्छे से एडजस्ट करना है। ये देख सकते हैं ये 6 सेंटीमीटर है, ये देखिए इसके सीध में ये आपकी फटी है अंदर वाली, इस तरह से ये आपने 6 सेंटीमीटर लेना है। तो इस तरह से ये आपकी जो एलिवेशन है वो बनके तैयार हो गई है। अब हमने बनाना है इसका प्लान। तो प्लान के लिए सबसे पहले तो हमने यहां से इसके सारे प्रोजेक्शन नीचे उतार देने हैं, यहां से ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 3, उसके बाद ये आपका आ जाएगा, सेंटीमीटर है, इसके बाद आपका है 3 सेंटीमीटर है। अब हमारे ये प्रोजेक्शन आने 2, एक ये आ जाएगा और एक ये थोड़ा बाहर को आ जाएगा इस तरह से, ये आपके आने हैं। इस तरह से आपके आएंगे। और हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 3x3 जो है वो बाहर को छोड़ना है। तो उसके लिए हमने यहाँ से इसके प्रोजेक्शन लेने हैं, यहाँ से ये आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ आपका यहाँ से बर्गी नहीं भरना है, ये पूरी लाइन आपकी आएगी यहाँ से, और यहाँ से ये 3 के बाद, यहाँ से 3 के बाद आनी है। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ इसको, मैं आइडिया से यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ ताकि 3 सेंटीमीटर पीछे को रह जाए आपका ये जो आया, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मैंने कौन कौन सा प्रोजेक्शन ले लिया है। ये मैंने ले लिया है, अब हमने यहाँ से लेना है, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर वाला प्रोजेक्शन है यहाँ पर, इस तरह से यहां से मैं इसके प्रोजेक्शन ले लूंगा, पहले हम यहां बाहर वाला इसका खांचा तैयार कर लेते हैं। इस तरह से इसके अंदर यहां पे आप वर्ग बनेंगे इस तरह से, इस तरह से आप देख सकते हैं ये आपके वर्ग बने। अब इसमें हमने जो 2-2 सेंटीमीटर है पीछे, इसे मैंने यहाँ लिया था ना 2 सेंटीमीटर, ये आपकी जो फट्टी है वो यहाँ पे अब शो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर,
पाए के अंदर इस तरह से, और यहां पे भी इस तरह से, और ये जो फट्टी हमारी है यहां से या ऊपर से आप ले सकते हैं, तो आप फुट्टा बड़ा ले लो। ये देखिए यहां से ये और ये इसके सीध में हमने जो है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की फट्टी लगानी है, और यहाँ पे ये हमने पहले नाप रखा है इस तरह से, ये इस तरह से आएगी। अब आपने आपके पास बीच में इसमें फट्टी बचती है वो आपकी है, ये वाली जो फट्टी आपकी यहाँ से 8 के बाद 6 सेंटीमीटर है, तो आप चाहो तो निशान लगा लो, नहीं तो अगर आपका पूरा आ जाता है तो ये मेरा सेल्सकेयर छोटे सेल्सकेयर से ही हो रहा है सारे, तो यहाँ से मैं ये आप देख सकते हैं ये आपकी फट्टी है, तो ये फट्टी आपकी लास्ट तक है, यहाँ तक है, ये हमने यहाँ डॉट शो करनी है, ये यहाँ तक आएगी, और उसके बाद हमारी है ये 6 सेंटीमीटर ये चौड़ी है फट्टी, तो यहाँ से उसको 6 सेंटीमीटर ले लेंगे इस तरह से, ये आपका अंदर का जो है वो इस तरह से प्रोजेक्शन आएंगे। अब हमारे पास बचते ये वाले जो डार्क प्रोजेक्शन है, ये हमने यहाँ पे लेने, तो एक आपकी ये लाइन आ गई है और एक आपकी यहाँ पे आनी है ये 90 डिग्री की वाली जो लाइन है, ये आपकी बाहर को यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ये आपकी डार्क आएगी इस तरह से। अब आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देना है इस तरह से ये आपका, ये जो आपका, ये आपका 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री वाले जो कोण है, और ये 2 सेंटीमीटर है, ये आपका इस तरह से बाहर को 2 सेंटीमीटर अलग से शो करें इस तरह से। अभी आपकी स्केल भी बनके तैयार हो गई है, इसी तरह से आपने भी इसको बनाना है, बस आपका इसमें रहता है स्केल कार्ड, और इसके जो स्केल नंबर हमने यूज किया है वो 1.10 सेंटीमीटर ये फुट्टा हमने इसमें यूज किया है। आप फुट्टा यहाँ बनाओ, चाहे आप यहाँ भी फुट्टा इसमें, यहाँ फुट्टा इसमें बना सकते हैं, तो वो भी गलत नहीं होगा। इस तरह से आपकी स्केल बन के तैयार हो गई है, आपने भी इसी से इसको सावधानी से अच्छे से सफाई के साथ बनाना है, तो पूरे मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे।